हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टी एस ग्रिवाल 2019 चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 30 बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर में जो है सो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग जो है सो स्क्रीन पर में देख लिए होंगे। इसमें दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो। आगे इसमें जेट का एडमिशन होता है 1 अप्रैल 2018 को। जेट का एडमिशन होता है, जेट का शेयर होगा 1/4, और साथ ही में जेट अपने कैपिटल के लिए और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एसेट लाता है। तो एसेट जो लाता है उसमें ये नहीं हम लोगों को पता चलता है कि कितना जो है सो वह अपने कैपिटल के लिए ला रहा है और कितना जो है सो गुडविल के लिए ला रहा है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या। तो पहले तो यहां ये देख लेना है कि क्या क्या लाता है, और साथ ही साथ फर्म का जो गुडविल निर्धारित किया गया है वो है 6 लाख रुपया। तो जेड के आने पर में फर्म का गुडविल 6 लाख रुपया निर्धारित किया गया है, और जेड का शेयर कितना है 1/4। तो ये तो एक्स वाई का शेयर है और जेड्स शेयर इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये 1/4 फर्म में 1/4 शेयर है, और गुडविल निर्धारित किया गया है फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल इक्वल टू 6 लाख रुपया फर्म का गुडविल निर्धारित किया गया है। तो गुडविल में जेड का शेयर क्या होगा, तो जेड्स शेयर इन गुडविल गुडविल, तो फर्म के गुडविल में जेड का शेयर हो जाएगा 6 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा 1,50,000। तो 1,50,000 गुडविल 1,50,000 लाना पड़ेगा, किसको, जेड को लाना पड़ेगा, क्योंकि जेड तो इनकमिंग पार्टनर है। तो इसको जो है सो 1,50,000 गुडविल के लिए लाना पड़ेगा। अब आगे हम लोग इस गुडविल का एक्स और वाई में जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो एक्स और वाई में जो है सो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस रेशियो में, जानते ही हैं आप लोग, ये ओल्ड रेशियो में जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ये कौन सा गुडविल है, जेड जो गुडविल लाएगा, एक्स विल गेट, एक्स विल गेट, एक्स कितना गेट प्राप्त करेगा, तो 1,50,000 है, 1,50,000 किस रेशियो में, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग यहां न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो जब नहीं दिया हुआ रहता है तो ओल्ड रेशियो जो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है, ठीक ना। तो 3/5, तो 5 से कट गया, 5 3 जा कितना आ गया 1,50,000, 30,000। तो यानी कि हो गया ये
नब्बे हजार, कितना 90,000। फिर y will get 150,000 का कितना 2/5, तो फिर यहां आ जाएगा कितना 30,000, तो ये हो गया 60,000 रुपया, कितना 60,000 रुपया। तो वर्किंग नोट हम लोगों का जो है सो कंप्लीट है। अब चले आते हैं हम लोग, ये हमारा वर्किंग नोट था। अब आगे जर्नल एंट्री पर मैं आ जाइए, जर्नल एंट्री डेट पार्टिकुलर एलएफ। अब यहां जो है सो क्या हम लोगों को देखना है कि जेड जो आ रहा है तो जेड क्या क्या ला रहा है, एसेट के रूप में हुआ क्या क्या ला रहा है। तो जो भी एसेट के रूप में ला रहा है सबको क्या करेंगे, डेबिट करते चलेंगे, ठीक ना। तो स्टॉक ला रहा है, फिर डेटर ला रहा है और लैंड ला रहा है। स्टॉक डेटर लैंड स्टॉक 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 अकाउंट, फिर डेटर डेटर्स अकाउंट, फिर लैंड लैंड अकाउंट, लैंड स्टॉक डेटर लैंड लैंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अब क्या कितना कितना लाया, स्टॉक लाया है 60,000, फिर 80,000, 1,80,000 का जो है सो डेटर है 80,000, फिर लैंड 1,00,000 का है 1,00,000, प्लांट और मशीनरी 40,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, ठीक है। ये चार एसेट लाया है। और हाँ, तो अब ये आ कौन रहा है, जेड, तो जेड जेड्स कैपिटल अकाउंट, और फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो अब यहां पर में हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को निकाल चुके हैं। देखिए यहां पर जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना आया, 1,50,000। जो फर्म का कैपिटल निर्धारित किया गया था 6,00,000, उसका 1/4 निकाल दिया, 1,50,000। तो ये 1,50,000 जेड का प्रीमियम है, एक लाख पचास हजार प्रीमियम है 1,50,000। और ये सारे अमाउंट को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये सारे को जोड़ने पर में आ जाएगा
80,000। तो 2,80,000 इसमें इसका जो है सो कैपिटल और गुडविल दोनों ही मिला हुआ है। ये जो एसेट लाया है कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए ही लाया, क्लियर नहीं लिखा है कि कितना कैपिटल कितना गुडविल। तो गुडविल हम लोग फाइंड कर लिए कहां से, यहां से 6,00,000 जो फर्म का गुडविल बताया था। तो गुडविल इसके जेड का शेयर का कितना हो गया 1,50,000। तो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000। तो रेस्ट जो बच गया इस सबको एड करने से 2,80,000। तो 2,80,000 में से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1,30,000। तो 1,30,000 ये 1,30,000 ये किसके लिए हो गया, ये इसके कैपिटल के लिए हो गया 1,30,000 ये इसका कैपिटल हो गया जेड का। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया 1,50,000। अब ये दोनों साइड हमारा जो है सो इक्वल हो गया। तो पता चल गया कि कैपिटल कितना 1,30,000 और गुडविल 1,50,000। अब यहां दिखा देंगे जेड ब्राउट कैपिटल ब्राउट एसेट्स फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। ये हो गया एंट्री हम लोगों का। अब देखना ये है कि ये प्रीमियम जो था इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक ना। तो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो न्यू रेशियो जब नहीं दिया हुआ रहता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो जिसको कि हम लोग कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू, यहां पर दोनों ही पार्टनर को मिलेगा पैसा, एक्स को 1,90,000 नहीं 1,90,000 टू एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट कितना कितना 90,000 और 60,000, 90,000 और 60,000 दोनों ऐड करके कितना हो गया 1,50,000, ठीक है। जेड्स गुडविल जेड्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोगों का जो है सो यहां पर में कंप्लीट हो गया। हम लोगों को जनरल एंट्री का था बनाने के लिए, हम लोग बना चुके हैं। इसमें अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है जब कभी भी इस टाइप से जो है सो कैपिटल और गुडविल के लिए एसेट लाता है तो एसेट का सारा अमाउंट को जो है सो हम लोग यहाँ पर में दिया में दिखला देते हैं।
ठीक है, और गुडविल का निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद जो बच जाएगा वह कैपिटल का रुपीज हो जाएगा, और आगे जो प्रोसेस है बस सिंपल कर लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा हो या न लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।